राज्यसभा सांसद मनोज झा ने, आरजेडी के राज्यसभा सांसद है मनोज झा, उन्होंने ठाकुर का कुआं कमेंट तो बहुत कुछ सोचता है अपने लिए, लेकिन ये लोग समाज के लिए भी लेकर के निगलेक्टेड जो 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 लोग फील करता है उसके लिए कुछ कर सकते हैं। अभी बहुत लोग इसमें धीरे धीरे जानकारियां भी मिलेगी कि क्या उनकी कर्तव्य है, क्या क्या फैसिलिटी मिल सकता है, सरकार क्या सुविधाएँ, बहुत लोग हम लोग को मालूम नहीं है। तो ये हम एक आग्रह करेंगे सुरेंद्र तिवारी बाबा से, एक स्कूल्स में यहाँ के चाहे कहीं बोर्ड में एक बोर्ड पर लगा दिया जाए जो सरकार की हिंदी में। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी, अभी धमार में हैं और धमार की धरती पर एक से एक दिग्गज लोग आए हुए हैं। और मैं बता दूं कि इनमें कोई ऐसा नहीं है जिनको कम आका जाए, सब अपने आप में भूप है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज महात्मा गांधी की जयंती मनाया जा रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाया जा रहा है और सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ, हालांकि सीनियर सिटीजन की बात हो रही है लेकिन तमाम लोगों के बातों से लग रहा था कि तमाम लोग नौजवान ही हैं, कोई सीनियर सिटीजन इसमें दिख नहीं रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है बीडी सिंह जी, बहुत ही सराहनीय आपका योगदान हर जगह रहता है और ख़ास तौर पर देखा जाता है कि किसी ने कह रहा था, हालांकि सबको पता है कि आप एसी गाड़ी में रहते हैं, एसी घर में रहते हैं, हर जगह जहां है वहां एसी, लेकिन इतने तापिस इतनी गर्मी में अपने लोगों को प्रेम में आप इस तरह पागल थे कि आपको गर्मी लग ही नहीं रहता, ना पसीना अभी छू रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज गांधी जी के और शास्त्री जी का जन्मदिन है और इसी के उपलक्ष्य में आज के दिन रखा गया ये जो सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष जी धर्म प्रसाद जी हैं, इनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये, और सुरेंद्र तिवारी जी को कि धमार गांव में आ करके जान रहे हैं कि हम लोग धमार स्कूल से ही पढ़े हुए हैं तो हमेशा से धमार से तो जुड़ा है और इसको हट नहीं सकता है। और सबसे बड़ी क्या है कि आज एक वेलफेयर की बात, सब सीनियर सिटीजन के वेलफेयर की टॉपिक रखा गया कि चले चलो गाँव की ओर, और उसमें एक रखा गया कि कैसे लोगों को एक सुविधा, सब लोग जैसे होता है कि नेगलेक्ट फील करते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं सब लोग, तो सक्षम है बहुत लोग रिटायर होकर के उनको पेंशन मिलता है तो उनको तो कोई परवाह नहीं होता है, लेकिन सही बोली लोग कि आज देखे कि कोई चल जाता है, कोई लड़का उनका कोई अमेरिका इंग्लैंड को प्राउड से कहता है लेकिन अपने माता पिता को छोड़ देता है, तो हम भी फील करते हैं कि देखिए वहाँ से रहते हुए तो हम भी लगा कि यदि यहाँ हमारे से कुछ हो सकता है उनके लिए, लोग तो हमारे पास आते रहते हैं, लोग को करते रहते हैं, लेकिन जो लोग हैं कि उनके लिए कुछ हम यदि कर पाएँ अपनी रिसोर्सेज से, अपनी जान पहचान के, चाहे हेल्थ केयर सेक्टर जाकर उनको बेसिक जरूरत पड़ेगा अभी हेल्थ के लेकर के जो एज हो जाता है तो वहाँ से। और एक और चीज़ हम आज कहना चाहते हैं इस सेंडलिया हाउस में हमारे के लेकर के एक जो लोग एल्डरली लोग हैं तो इसी में हमारे कर्सी ओर से एक क्रिएशन रूम रहेगा कि जो कि हो सकता है कि कैसे वो लोग अपनी समय यहाँ पे, यहाँ के लोग हैं चाहे अगल बगल के लोग आ करके, आज के दिन में हम उसको घोषणा करना चाहते हैं कि हम कुछ अपने से यहाँ पे क्रिएशन रूम लोग जो एल्डरली लोग कैसे अपने टाइम कभी बोर फील किया कुछ हो तो कैसे यहाँ पर एक चाहे बुक एक किताब रखी जाए, लाइब्रेरी कर दिया जाए, कोशिश करेंगे हम लोग डिस्कस कर लगे अध्यक्ष जी से कि यहाँ कुछ इसी गाँव में आज के दिन में हुआ है तो हम ये घोषणा करते हैं कि जो कि आएगा तो याद रखेगा लोग किसी दिन का हुआ है और लेकर के। और इसके अलावा मेरा नंबर भी दिया हुआ है सब लोग को यहाँ के, और सब लोग अपने लोग यहाँ हैं, कोई गैर नहीं है, जो भी आएंगे तो अगल बगल के लोग हैं तो उनके लिए यदि हम कुछ कर पाएँ तो उसके लेकर के मैं सौभाग्य अपने को महसूस करूँगा और ज़्यादा कुछ आपसे करना चाहेंगे चूँकि बड़ा एक मामला थोड़ा सा उठा हुआ है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने, आरजेडी के राज्यसभा सांसद है मनोज झा, उन्होंने ठाकुर का कुआं कमेंट उस पर आप उसका नहीं कुछ नहीं। अब आपको भी धन्यवाद देता है कि आप इतना दूर से एक न्यूज़ तो सब लोग बनाता है देखता है कि वहाँ से नेगेटिव न्यूज़ जो होता है उसको लोग दौड़ जाता है, जो ये पॉजिटिव न्यूज़ है जो समाज को क्या बने दिशा दिशा उसके आप धन्यवाद के पात्र हैं कि समय निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं, इतना दूर से सब लोग नहीं पहुँच पाता है। उसी तरह से हम सुरेंद्र तिवारी को और अपने अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता कि सोच रखे हैं कि सब कोई तो बहुत कुछ सोचता है अपने लिए लेकिन ये लोग समाज के लिए भी ले करके निगलेक्टेड जो 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 लोग फील करता है उसके लिए कुछ कर सकते हैं। अभी बहुत लोग इसमें धीरे धीरे जानकारियां भी मिलेगी कि क्या उनकी कर्तव्य है, क्या क्या फैसिलिटी मिल सकता है, सरकार क्या सुविधाएँ, बहुत लोग हम लोग को मालूम नहीं है। तो ये हम एक आग्रह करेंगे सुरेंद्र तिवारी बाबा से, एक स्कूल्स में यहाँ के चाहे कहीं बोर्ड में एक बोर्ड पर लगा दिया जाए जो सरकार की हिंदी में लिख दिया जाए कि ये हमारी को मैंने सुविधा सरकार की ओर से है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। तो हो सकता है कि हम कोशिश करेंगे जिससे कि सरकार की जिला पदाधिकारी BDO से जिनसे भी हो सकता है प्रशासनिक पदाधिकारी से उनके
मिल जाए, सही उनकी जी डिमांड है। ये हमारी हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जय माँ काली बखुरापुर वाली के अध्यक्ष हैं और मोरिया होटल को आप लोग जानते होंगे, पटना का नंबर वन होटल मोरिया होटल कहा जाता है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, पहले जीएम हुआ करते थे, लेकिन इनके व्यवहार से और इनकी कर्तव्यनिष्ठा और इनके ईमानदारी लगातार इनको प्रमोशन के पद पर ले जा रही है और माँ काली का आशीर्वाद है। आप देख रहे हैं नए विधायक है और न ही ये सांसद है, लेकिन इसके बावजूद भी समाज के कहीं भी समाज को जोड़ने का जब काम होता है या समाज में कहीं भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, लोग इनको याद करते हैं। हमें कह रहे हैं कि हम दूर से, हम तो आरा से ही आए हैं, लेकिन पटना से चल के आए हैं और इतने गर्मी में घंटों से ये बैठे हुए हैं और तमाम लोग इनके साथ। अच्छा, एक सवाल, हम सीनियर सिटीजन्स का इनके लिए क्या, हमसे क्या हो सकता है उसके बारे में, बाकी अध्यक्ष जी से ले लीजिए। चलिए जी जी जी। तो वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर तले आज चलो गांव की ओर कार्यक्रम में हम लोग धमार गांव में महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। यह एसोसिएशन राष्ट्रीय स्तर का पूरे देश में फैला हुआ है और इसकी इकाई धमार में आज यहाँ कार्यक्रम रखे हैं। वरिष्ठ नागरिक जो समाज में उपेक्षित हैं, उनके सुरक्षा, उनके विकास, उनके हर तरह की रख रखाव सारी व्यवस्था जो है सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन करता है। आने वाले दिनों में सभी लोग कभी ना कभी सीनियर होंगे, सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आएंगे, तो हम लोग इस तरह का बेस बनाना चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन को आने वाले दिनों में कहीं भी कोई हो। आज बिहार सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने ओल्ड एज होम का गठन पूरे 3800 जिला में किया है और भोजपुर में पैसा भी आ गया है, यहाँ बनने जा रहा है। इसलिए जिलाधिकारी को भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि यथाशीघ्र जो है ओल्ड एज होम का, इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष सीनियर सिटीजन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? अशोक कुमार मिश्र, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे सर? बात यह है कि ये जो जज्बा है सीनियर सिटीजन का समाज की सेवा देने के लिए, ये काफ़ी तारीफ योग्य है और आप लोगों की भावना, लोगों की भावना, स्थानीय भावना जो आई यहाँ उभर के, हमको लग रहा है कि अगली पीढ़ी के लिए एक संदेश जाएगा कि भाई बुजुर्ग भी लोग समाज के लिए कुछ सोच सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे सीनियर सिटीजन जो है? नाम क्या हुआ? मेरा नाम हीरा ओझा हुआ और मैं इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में हूँ। ये जो है सीनियर सिटीजन का व्यवस्था जो है, हमारे समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को कैसे सब लोगों को मिलकर मदद दें और कैसे हमारे समाज को आगे बढ़ाएं, इसके लिए सीनियर सिटीजन का व्यवस्था जो है और इसमें सारे लोग लगे हुए हैं और आप लोगों की भी सहभागिता रही तो ये राजनीतिक मंच से हट करके और पूरे दायित्व को निर्वहन करते हुए आगे बढ़ाने का बात है। आप क्या कहें, क्या नाम हुआ? मेरा प्रोफेसर डॉक्टर कमल कुमारी सिंह। क्या कहेंगे, आज जिस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया जहाँ पे समाज में द्वेष फैलाने का काम नेताओं लोग कर रहे हैं, आप लोग एकजुट होकर तमाम लोगों को एकत्रित करके एक साथ भाईचारा का संदेश आप लोग दे रहे हैं। आज आप लोगों ने महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती आप लोगों ने मनाया, क्या कहेंगे? कोई भी दिवस मनाया जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ लक्ष्य तो होता ही है, अपनी भावनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करने के लिए एक मंच चाहिए। उसमें से ये जो है सीनियर सिटीजन जो मंच है वो केवल वृद्धों के लिए नहीं, सबके लिए, युवा वर्ग जिसको भी हो, हम लोग जिस तरह से है चाहते हैं कि सजाने संवारने का काम करें। एक चीज़ ज़रूर है कि महिलाओं की सहभागिता कम हो रही है, हम लोग चाहेंगे कि घर घर जाकर उन लोगों की संख्या बढ़ाई जाए और जितने इसमें सदस्य बैठे हुए हैं वो भी अपने घरों से उन स्त्रियों को बाहर निकालें, ताकि हम लोग घर में जा जा के सब जगह संभव नहीं हो पाता है, जो स्त्रियां अंदर तक जाकर सुधार सकती हैं वो आप लोग से नहीं हो सकता है, उस कार्य को हम लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि जो महिलाओं को भी जोड़ा जाए और नए उम्र के लड़कों को भी जोड़ा जाए, जो हमारे सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक है, वो कितना दौड़ेंगे, उनको सुख देना है, आराम देना है और बट वृक्ष के जैसे, पीपल वृक्ष जैसे छाया बन करके हमारे युवा नागरिक आए और घर के महिलाओं को भी शामिल किया जाए और उनका एक सेल ऐसा बने जिसमें अलग अलग पद मिले और वो अपने ही घर से, व्हाट्सअप का ज़माना है, न्यूज का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो आराम से अपने घर से कर सकती है और भारी इसमें संख्या में जब मीटिंग होगी तब उस
उसमें सम्मिलित जिसको होना होगा होगा, और घर से तो हर काम होता है, अपना सहयोग जैसे देना है या अपना सुझाव देना है तो मोबाइल के माध्यम से भी आदमी दे सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप देख रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन का ये मंच है, और आप देख रहे हैं इसमें तमाम लोग हैं और सब जाति के लोग हैं। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे सनातन बचाने की बात होती है, वहाँ सनातन बचाने के पीछे तमाम लोगों को एकजुट करके एक मंच देना होता है, नहीं कि एक दूसरे पर कटाक्ष करनी होती है। वोट का राजनीति नहीं करनी चाहिए, तमाम लोगों को एकजुट कीजिए और सबसे प्रेम, एक दूसरे से प्रेम का भाव रखिए, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैंने एक क्वेश्चन भी करने की कोशिश की, लेकिन बीडी सिंह बिल्कुल ही उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना। ये तमाम लोग एक दूसरे को एकजुट करके मिला के चलने वाले लोग हैं, और ऐसे इस तरह के स्वच्छ राजनीति करने वाले ही आगे बढ़ेंगे। यदि राजनीति करना है तो स्वच्छता लानी होगी, वो दिन भूलना नहीं होगा। आप तमाम जितने भी लोग एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, उन लोगों से मैं कहूंगा कि हर लोग आपको वोट देते हैं, और तमाम लोगों को एकजुट करके ले चलना आपका उद्देश्य होना चाहिए, न कि एक दूसरे पर कटाक्ष करना चाहिए। क्या कहेंगे सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम हरिंद्र सिंह, मैं जिला अध्यक्ष हूँ सीनियर सिटीजन का। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम लोगों का मेम्बरशिप 110 रुपया लगता है, उसमें से हम लोग इकट्ठा करके समय पर दान भी करते हैं। हमारे बैंक खाता में 1,13,058 रुपया है, और हाथ में 3,915 रुपया, टोटल 1,16,973 रुपया 30/9/23 तक हम लोगों के यहाँ है। ये वेलफेयर जो है समाज के प्रति समर्पित है, और आपसी जो भाईचारा है, या जयंतियाँ मना करके महापुरुषों को जीवनी के उतारने का काम करते हैं, और समाज में जितने डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, सब लोग मिलते हैं। डॉक्टर कमल सिंह आई थी, हम यहाँ पर पढ़ाते थे, वहाँ उनके गांव में रहते थे, और ये वीर प्रसूता रही है। अंबिका बाबू बिहार के यहाँ के वित्त मंत्री थे, लाल बिहारी से उनका लड़का आज जानते हैं, राघवेंद्र बाबू विधायक हैं। तो ये भारत भूमि वीर प्रसूता रही है, और ये आप अब शहर से गांव की ओर चलना एक कार्यक्रम था, इसमें हम लोग आए हैं और सारा कार्यक्रम किए। धन्यवाद आपको। तो इसी तरह लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन अनंत के साथ मैं अशोक तिवारी।